तो ये इलेक्ट्रिक चेयर है, इसमें करंट पास होगा 440 का वोल्ट, और जैसे ही करंट पास होगा इस पे बैठा हुआ आदमी एकदम कोयला हो जाएगा। खा। ये है लिवर, अब मैं ये लिवर घुमाऊंगी तो क्या होगा? इसमें करंट पास होगा 440 वोल्ट का। स्विच ऑफ है ना? हाँ मीन स्विच ऑफ है। हाँ। ये लिवर घुमाया मैंने और ये करंट लगने की एक्टिंग शुरू। कैसे रही मेरी एक्टिंग? सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही तुम्हें ताबड़तोड़ अभिनय करना है जब वो आएंगे, ठीक है? तुम देखने वाले को झटका लगना चाहिए, समझ गए ना? सब रेडी है ना? चीता भी आता ही होगा। हमारी इनकी मैया का सासू मैया, एक छोटा सा कोड इनको याद नहीं रहता। चीता ही होगा और कोई और हुआ तो? एक सेकंड, फोन कर लेती हूँ ना चीता को। लो, चीता का ही मैसेज है, कह रहा है कोड वर्ड भूल गया हूँ, शटर खोलने बोल रहा है, मैं खोल कर आती हूँ। अरे भाई ये कौन सी जगह है? पुलिस स्टेशन तो लाग रहे को नहीं? पलटो बंधु। हम हैं चलता फिरता थाना, जो तुम्हारे चेहरे का ये रंग उड़ा ना, इसको देख के हम कह सकते हैं कि तुम हमको पहचान लिए हो। पहचान लिए ना? तो तुम ही हो ना वो अपनी पड़ोसन श्रीमती मालती के घर में अंधेरा करके अपने घर में रोशनी करने वाले? पढ़ियो गलत है, मैं तो कायम ही को नहीं कियो। था के पास कोई सबूत है कहीं? नहीं, यही खासियत है इस थाने की कि यहाँ पे कोई सबूत और गवाह नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट जो है ना इंसाफ दे देते हैं यहाँ पे। अब तुम कबूल करो कि तुम ही हो जो वो बिजली चोर हो। मैं कायम भी कोनी कियो। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। भैया अगर आप अभी ये कबूल नहीं करोगे कि आप बिजली चोर हो, कोई बात नहीं, मत करो कबूल। ये बिजली की चेयर है ना, ये आपसे कबूल करवाएगी कि आप बिजली चोर है, क्योंकि क्या है ना इसमें 440 वोल्ट का झटका लगा है जो ऐसा रॉकेट बनाएगा ना कि एक झटके में सच बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये आदमी जो इस कुर्सी पर बैठा है ना, ये चोर है, लेकिन कबूल नहीं कर रहा है कि ये चोर है। अब ये बिजली वाला चेयर ना इससे कबूल करवाएगी कि ये चोर है। देखेंगे आप, डेमो देखेंगे, देखिए। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? बलराज साहनी। बिल्लू, देखिए नाम सही बताया उन्होंने, बिल्लू। चुप चुप, आप हमें ये बताइए कि आप चोरी आपने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। चोर है। चलो भैया अभी तुम्हारा हो गया, इनको हटाओ, इनको बिठाओ। अरे मैं तो नहीं बैठू चेयर पे, अरे मैं कबूल करूं कि मैं ही बिजली चोर हूं और मैं ही मारी जो मिसेज मारती पड़ोसन है उनकी बिजली चोरी करूं, और तो और उसका जितना भी बिजली को बिल है नहीं, मैं सब चुका दूं, लो सब भर दूं, लो। माफ नहीं, उनको बोलो कि अपना जो केस है वो वापस ले, समझ गए तुम? समस्या सॉल्व हो गई, केस सॉल्व हो गया। हाँ जी हुकुम। चलो कटो। ए बिल्ला, तुम मतलब इतना धमाकेदार नेचुरल एकदम पावरफुल एक्टिंग करती हो बे। हाँ लौटू, ए बिलौटू, तुम जिंदा तो है ना? परफॉर्मेंस दिया बिलोटा, संतु जैसा किया जैसा लग रहा है सच में करंट खा रहा था। पहले ये बताओ सच में करंट किसने चलाया? अरे हाँ हाँ हम सब कर देंगे, चिंता मत करो, अभी रखते हैं फोन। सुनिए बहन जी, हमें रिपोर्ट वापस लेनी है। बहन जी? अरे अरे दादी जी, हम तो आपके पोती के समान हैं, हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं चलता ना, इसलिए आप हमें बेटा ही कहिए। हाँ। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप यहाँ कैसे? बेटा मुझे अपनी रिपोर्ट वापस लेनी। हाँ हाँ हो जाएगा काम आपका, हो जाएगा। हाँ, आप अपनी रिपोर्ट वापस क्यों लेना चाहती? जब सारा टंटा निपट गया है तो काहे रिपोर्ट रिपोर्ट की सरदर्दी ले? घर में नया कनेक्शन लग गया है, बिजली आ गई है, उस राघव ने सब आगे पीछे का बिजली का बिल भर दिया है, तो आप काहे की झेझे मोल ले? लीजिए यहाँ पे अपने दस्तखत कर दीजिए और अपना केस वापस ले लीजिए। जी जी ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी जी अचानक
कैसे हुआ ये? अचानक ही उस राघव की अकल ठिकाने आ गई और उसने सब कुछ बताइए। पर ये तो जी कहिए। मैडम जी, मुझे अपनी रिपोर्ट वापस लेनी है। मेरी समस्या का समाधान हो गया है। हाँ मैडम जी, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। आप मेरी FIR कैंसिल कर दीजिए। अच्छा? हाँ हाँ हाँ, सबकी FIR हम खारिज कर देंगे, आप लोग जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से सब अपनी FIR वापस लेने आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये इतने सारे कोइंसिडेंसेस तो हो नहीं सकते। आप जानती हैं क्या? हम नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हम क्या जानते होंगे? आप सच बोल रही हैं? हाँ हाँ, भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? तो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, हम कहाँ ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, हम तो एकदम सहज हैं। देखिए, कुछ नहीं हुआ, एकदम सहज। चीता और संतोष कहाँ हैं? अब चीते संतोष यहाँ तो नहीं है। हाँ, वो नहीं है, हम बुलाते हैं उनको। फोन करके बुलाइए जी, अभी। हाँ? अभी बुलाइए। हाँ हाँ हाँ, हे भोलेनाथ, मैडम सर का सवाल सुनने के बाद संतू के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और वो सारा भांडा फोड़ देगी। अब आप ही कुछ कीजिए, हम सच में आपको 1 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। आपने हम लोग को बुलाया मैडम सर? जी, हम आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहते हैं, लेकिन उसके जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। क्लियर? क्लियर मैडम सर। संतोष शर्मा, क्या आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नो मैडम सर। ये अभी हाल ही में जो कंप्लेंट्स वापस ली जा रही हैं, क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? नो मैडम सर। इसका पेट क्यों नहीं दुख रहा? दुखेगा तब ना जब उनको सुनाई देगा। मैडम सर क्या बोल रही हैं, इनको सुनाई नहीं दे रहा है। हम इशारा कर रहे हैं संतू जी को, पर सुन क्यों नहीं पा रही है वो? क्या आपके पेट में दर्द हो रहा है? बिल्कुल नहीं मैडम सर। देखा मैडम सर, आपने हमने कहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं जो हम आपसे छुपा रहे हैं। अगर संतू कुछ छुपाती तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता ना। नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नहीं छुपा रहे आपसे। हाँ मैडम सर, नहीं तो अब तक तो संतू जी का फैलाया हुआ सच यहाँ फर्श पर फैला होता और हम लोग मिलकर उसको समेट रहे होते। हमारा भरोसा कीजिए मैडम, संतू जी कुछ भी झूठ नहीं बोल रही, सब सच बोल रही है। हम जरा आए, आते हैं थोड़ी देर में। क्या बोल रही थी मैडम सर? बाप रे बाप, संतू जी आप ना मासूमियत का इमारत है। क्या देखिए पुष्पा जी, इसकी वजह से संतू जी को सवाल सुनाई दिया ही नहीं। सवाल सुनाई दिया ही नहीं तो पेट दर्द हुआ ही नहीं, पेट दर्द हुआ ही नहीं तो सच बोला ही नहीं इन्होंने। क्या बोल रही थी मैडम सर? कुछ नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम रोज पहना करो, अच्छी लगती हो तुम। करिश्मा सिंह। जय मैडम। जय। क्या देख रही हैं आप कंप्लेंट रजिस्टर में? कुछ नहीं, वो बाहर पुष्पा जी बता रही थी कि जितना भी केसेस हमारे थाने में आए हैं वो सब वापस चले गए हैं। सबका समस्या सॉल्व हो गया है तो सारे रिपोर्ट खारिज हो गए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या जाहिर करें, खुशी या फिर हैरानी। ऊपर ऊपर तो आपको हैरानी जाहिर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अंदर से आप कितनी खुश हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। नहीं, हम समझे नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। आप अच्छे से समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये भी जानती हैं कि अचानक से कंप्लेंट रजिस्टर के सारे केसेस सॉल्व कैसे हो गए। आप सीनियर हैं, आप कुछ भी बोल सकती हैं, आपको कौन रोक सकता है। लेकिन एक बात हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं मैडम सर, कि आपसे अच्छा ये कोई नहीं जानता है कि बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना कितना संगीन जुर्म है। लेकिन आपने अभी जो कहा उसे प्रमाणित करने के लिए क्या आपके पास कोई सबूत या गवाह है?
इतनी समझदारी की उम्मीद तो हम आपसे रखते हैं करिश्मा सिंह, कि आप अपने खिलाफ हमारे हाथ कोई सबूत तो लगने नहीं देंगे। लेकिन हम भी फितरतन जिद्दी हैं, एक बार सच के पीछे पड़ जाएं तो उसके दरवाजे तक पहुंच कर ही दम लेते हैं। अब करिए आपको जो करना है करिश्मा सिंह, हम सच तक पहुंच जाएंगे। समय बर्बाद करेंगे आप, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखते हैं। गुड लक मैडम साहब। थैंक यू। जय भोलेनाथ। जब तक ये थाना प्रतियोगिता का चक्कर खत्म नहीं हो जाता, हसीना मैडम को दूसरे थाने के बारे में पता ना चले। बस इतनी सी कृपा कर दीजिए। जानते हैं सर जी? सर हाँ हाँ, बस हम थाने में एंटर ही हुए हैं, केबिन की तरफ जा ही रहे हैं, बस हम 10 मिनट में फोन करते हैं। जी सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी, हमें DSP सर और IG सर के साथ एक बहुत जरूरी कॉन कॉल करना है, और हो सकता है हमें बहुत ज्यादा समय लग जाए। ठीक है, हम अपने केबिन में जा रहे हैं, आप प्लीज बाकी सबको आगाह कर दीजिए कि जब तक हम खुद अपने केबिन से बाहर नहीं आते, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा वह कुछ नहीं सुना उन्होंने। इंटरनेशनल क्लाइंट है। एक मिनट, एक मिनट। व्हाट इज नाउ नेम इज व्हाट क्या इज है नेम नाम योर्स आपका हाँ ओह माय नेम इज फ्रीडा। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम मैम। यू गो इन दिस थाना या फॉर कंप्लेन? Yes. Come inside. Where? Come. What? This thana? West of your time. इस थाने में कुछ नहीं हो सकता। ये थाना बेकार है, फालतू है। I suggest another level thana. It's super fantastic. मतलब आपका जो भी problem है ऐसा चुटकी में solve हो जाएगा। Come with me. Secret place. What secret place? Secret place means रहस्यमय। हाँ, गुप्त स्थान, काना खोपचा। Come with me. You nothing with me. No. I will complain against all three of you. एक मिनट। क्या चल रहा है? What you want? Ma'am, I want to go inside and complain. These stupid men not letting me go. यहाँ कंप्लेन? यस। नो, आजकल यहाँ नो कंप्लेन, नो राइटिंग। विश्वास नहीं हो रहा कि पुष्पा जी भी इस सब में शामिल है। बट व्हाई नो कंप्लेन? ऑर्डर फ्रॉम हेयर ऑर्डर। देन व्हेयर शुड आई गो कंप्लेन? यू टेल मी मैम, व्हाट डू आई डू? नो क्राई। बिल्लू टेक यू सही जगह है ना बिल्लू? Yes. Go. Okay, thank you. Come. पुष्पा जी, हम भी जाएं। ध्यान दो इधर। Secret place. नहीं, संतु, रुको, अभी मत खोलो। नहीं मैडम, हम जानते हैं बिल्लू है तो जाने देते हैं ना, वो गलत पासवर्ड बोल रहा है तो छोड़ दो, मैं जाने। नहीं, लेकिन हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सॉरी मैडम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, संतोष जी यहाँ पर हैं, पुष्पा जी वहाँ थाना में बैठी हैं, जैसे आप आदेश दी थी, तो बाहर कौन होगा? बिलौटा ही हो सकता है ना मैडम? अम्मा, बिलौटे के साथ मैडम सर हुई तो? नहीं, जब तक हम नहीं बोलेंगे शटर नहीं खुलेगा, समझ गए दोनों की दोनों? हाँ। नो, प्लीज वेट। जी कहिए मैडम सर। हम अपने केबिन में क्यों? पक्का है? क्या पक्का, थोड़ी देर पहले तो अंदर गई है वो, और हमसे कह के गई है कि DSP सर और IG सर के साथ उनका जरूरी कॉन कॉल है, तो उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। आप
जाइए एक बार जाके चेक कीजिए. क्या मैडम सर है कि नहीं वो चेक कीजिए पुष्पा जी. अरे हाँ हाँ देखते हैं जाके. हाँ सर हम भी यही कहना चाहते हैं सर. जी सर हो जाएगा बिल्कुल सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें. अंदर तो बैठी है वो हम देख रहे हैं उनको. पक्का? क्या पक्का 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 आपको भरोसा नहीं है हमारी आंखों पे? शक है आपको तो खुद आके देखिए ना. ठीक है थैंक यू पुष्पा जी. खोलो खोलो शटर खोलो. हाँ. बहादेशिया फॉरेन से है. Hello, hello, hello. I'm Frida. Is this a real police station? Yeah. हाँ, real police वाले हैं ना? बताइए आपका क्या समस्या है? हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? Why come here to complain? Why not there? वो हमारी जो senior है ना madam sir, उनसे छुपाने के लिए हम यहाँ पर. तो आप सब अपने सीनियर से छुपा के ये थाना चला रहे हो? Oh, so you're S.I. Karishma Singh. This little packet, he tell me everything about you. You are very famous in Lucknow. You're bhokala, you're topa, you're punching. You're very famous. You think you're better than your senior? Let me explain. हमारी जो मैडम सर है वो जज्बात से चलती है. Oh. और जो हमारी करिश्मा मैडम है वो लात और मुक्को से चलती है. Oh. I don't understand. Speed difference, you understand? हमारी जो मैडम सर है वो जज्बात से चलती है which is 2G. और जो करिश्मा मैडम है लात और मुक्को से चलती है which is 4G. दोनों के फायदे और नुकसान है. 2G जो है वो देर से कनेक्ट होता है लेकिन लंबा चलता है और जो 4G है वो फट से कनेक्ट होता है और फट से डिस्कनेक्ट भी हो जाता है. मैडम सर जो है वो बुलेट कार है मतलब बैलगाड़ी है और करिश्मा मैडम जो है वो घोड़ा गाड़ी है. दोनों के फायदे नुकसान एकदम सही. हाँ अगर हमारी हसीना मैडम होम्योपैथिक है ना तो हमारी करिश्मा मैडम एलोपैथिक है. नहीं मतलब हो गया हो सबका तो आप आइए ना आप अपना कंप्लेंट लिखवाइए हम सॉल्व करेंगे. बैठिए बैठिए. यस 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 यू आल्सो नाइस आई फॉरगॉट अबाउट माय कंप्लेंट. सिट सिट. बताइए क्या प्रॉब्लम है? आई हैव बीन चीटेड. कौन है जिसने आपके साथ चीटिंग किया हमें बताइए आप. बाय द पीपल क्लोज टू मी. मैंने जिन पे विश्वास किया आई ट्रस्ट देम दे चीटेड मी. ये तो बहुत गलत किया आपके लोगों ने. लेकिन आप बिल्कुल घबराइए मत. आप हमारे देश में आई हैं, आप हमारी मेहमान हैं, आप हमारी अतिथि हैं. हमारे देश में ना अतिथि देवो भव कहा जाता है. What? God is guest. Guest is God. God. Don't cry, don't cry. Thank you. Hold my bag. Yeah, yeah. बताइए कौन कौन है उनके नाम बताइए. Yes, I tell you their name. ऐसा ही करिश्मा सिंह. कांस्टेबल संतोष शर्मा. कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी. हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह एंड ऑफ कोर्स बिल्लू चंपत. मैडम सर आप अब तक थाने में हैं, अपने केबिन में हैं. पुष्पा जी के हिसाब से तो अब तक हम IG सर और DSP सर के साथ कॉन कॉल पर हैं. जी सर हो जाएगा बिल्कुल सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें. सारी डिटेल्स आपको हम भिजवा देंगे. तजुर्बा कहता है हमारा कि जरूरत से ज्यादा होशियार बनने वाले लोग ही अक्सर सबसे बड़े बेवकूफ बन जाते हैं.
सामने रखी तलवार तो देख लेते हैं लेकिन जमीन पर पड़े कांटे नजरअंदाज कर देते हैं। हो गया, अरे सपना सच हो गया, काली खोपड़ी ने काम शुरू कर दिया। क्या कहा था हमने करिश्मा सिंह, फितरतन हम जिद्दी है, कैसे भी करके सच तक पहुंच ही जाएंगे। तो देखिए फिर, आपका झूठ हमने एक्सपोज कर ही दिया। हमें आज तक लगता था कि हमारे इस महिला पुलिस थाने की सिर्फ काउंसिलर ही नहीं, आप हमारी सबसे करीबी दोस्त भी हैं। अगर इस सब के बाद हमें सबसे ज्यादा किसी ने नाउम्मीद किया है तो वो आप हैं। मैडम सर, हम मानते हैं हमने बहुत बड़ी गलती की है, आपको धोखा देने के बारे में तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, बस अपने महिला पुलिस थाना को जीतते देखना चाहते थे इसलिए ये सब कर बैठे। तरीका भले ही गलत था मगर मंशा नहीं। गलती का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता पुष्पा जी, गलती गलती होती है और आप सब ने गलती की है। आपने सिर्फ हमें ही नहीं, अपनी ड्यूटी, अपनी वर्दी को धोखा दिया है। आपने अपने निजी फायदे के लिए अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है और ये हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं है। हम आप सबके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमें सारा घटनाक्रम डीएसपी सर को रिपोर्ट करना होगा। आपको जो करना है आप कीजिए मैडम सर, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये जो सब हुआ है इसमें इन सब का कोई गलती है। इन सब ने वही किया जो हमने इनको करने को कहा। हम इनके सीनियर हैं, हमने इनको ऑर्डर दिया, इन्होंने फॉलो किया। हम हैं जिन्होंने इनका मिसयूज़ किया, इनका इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए। ये जो पूरा प्रकरण है ना मैडम सर, इसका जिम्मेदारी हम अकेले लेते हैं। आपको जो सज़ा देनी है आप हमें दीजिए, हम अकेले भुगतेंगे, लेकिन ये सब निर्दोष है। सही कहा आपने करिश्मा सिंह, ये सारी गलती आपकी है, इस सब की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। लेकिन आपके लिए कोई भी फैसला लेने से पहले हम आखिरी बार पूछना चाहते हैं कि क्या आपको अपने किए का जरा सा भी पछतावा है? हमने जो कुछ भी किया ना मैडम सर, वो हमारा महिला पुलिस थाना और इस देश के सभी महिला पुलिस थाना के स्वाभिमान के लिए किया है, कतई पछतावा नहीं है हमको। तो ठीक है फिर, जब तक आपको अपने किए का पछतावा नहीं हो जाता, जब तक आप अपनी गलती की माफी नहीं मांग लेती पूरे दिल से, जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि आप ये वर्दी पहनने लायक हो गई हैं, इसकी गरिमा बरकरार रखने लायक हो गई हैं, तब तक आपको ये वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं। करिश्मा सिंह, हम आपको सस्पेंड करते हैं। वो दिन तो फिर कभी नहीं आएगा मैडम सर। तो फिर ये वर्दी भी आप कभी नहीं पहनेंगी। जय हिंद मैडम सर।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.